हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखते हैं। और कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने के अपने पास तीन तरीके मुख्य रूप से हैं। पहला जो तरीका है वो होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, अब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखते टाइम कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में सभी परमाणुओं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और सभी आबंधों को दर्शाया जाता है। जब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सभी आबंधों एवं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाया जाता है तो वह पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। जितने भी आबंध हैं उन सबको यदि अपन दर्शा दें, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में अनाबंधी युग्म उनको दर्शा दें तो वो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। एकल आबंध को दर्शाते हैं एक लघु रेखा से इस तरीके से। फिर द्विआबंध उसको दर्शाते हैं दो लघु रेखा से इस तरीके से। और त्रिआबंध को उसको दर्शाते हैं तीन लघु रेखा से। एकल आबंध को एक लघु रेखा से, द्विआबंध को दो लघु रेखा से और त्रिआबंध को तीन लघु रेखा से। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इसको कहते हैं लोन पेयर। और लोन पेयर वो होते हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं उनको तो कहते हैं बॉन्ड पेयर, बंधी युग्म या बीपी। और जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और लोन पेयर को अपन दर्शाते हैं दो डॉट से इस तरीके से परमाणु के ऊपर लगा देते हैं। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को बताता है। अब देखो कुछ पूर्ण संरचनात्मक सूत्र देखते हैं अपन। जैसे एथेन होती है CH3CH3 या C2H6। इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र जब लिखेंगे तो कार्बन को कार्बन से जोड़ दिया, हरे कार्बन पर फिर तीन तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए, सारे आबंधों को दर्शा दिया तो ये क्या है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। एथीन होती है C2H4, तो इसमें जितने भी आबंध हैं तो कार्बन कार्बन द्विबंध होता है एथीन में, तो कार्बन कार्बन द्विबंध और फिर हाइड्रोजन जितने भी हैं उनको भी बंधु द्वारा दर्शा दिया तो ये एथीन। फिर एथाइन को दर्शाएं तो C2H2 होती है एथाइन, यानी इनका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। इनका होता है CnH2n और इनका होता है CnH2n-2, ये एथाइन होती है। अब एथाइन C2H2, तो इनके बीच में त्रिआबंध पाया जाता है एथाइन में, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक एच इधर एक एच इधर, सारे बंधों को दर्शा दिया, यानी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड जो जो भी बॉन्ड है वो सारे दर्शा दिए, सारे परमाणु दिखाई दे रहे हैं, सब बंध दिखाई दे रहे हैं, तो वो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। इसके अलावा जैसे मेथेनॉल है
तो मेथेनॉल होता है CH3OH। इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखना है अपने को, तो कार्बन से तीन हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, और ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर पाए जाते हैं। ये लोन पेयर है, बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, और जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर या बंध युग्म। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये हैं दो लोन पेयर, एक और दो। इसके अलावा जैसे एसीटिक एसिड है CH3COOH, इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, तो कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर सी से एक ऑक्सीजन, फिर कार्बन से एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, सब कुछ दर्शा दिया अपन ने। तो ये एसिटिक अम्ल का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। और ले लें अपन तो ब्यूटेन, जैसे C4H10 होती है, तो ब्यूटेन में चार कार्बन है, चारों कार्बनों को जोड़ दो, शेष संयोजकता है, फिर हाइड्रोजन जोड़ करके पूरी कर दो, तो ये कहलाते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, जिनके अंदर सभी आबंधों को और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को दर्शा दिया जाता है, वो कहलाते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अब देखो सेकंड है संघनित संरचनात्मक सूत्र। जब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं तो वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, समय भी अपने को अधिक खर्च करना पड़ेगा, इसलिए पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों को थोड़ा छोटे रूप में लिखने पर जो सूत्र अपने पास आएंगे वो कहलाते हैं संघनित संरचनात्मक सूत्र, यानी पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के छोटे रूप क्या कहलाते हैं, संघनित संरचनात्मक सूत्र, यानी थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एथेन है, और एथेन होती है C2H6। इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र जो था वो अपन ने ये लिखा, इसका संघनित संरचनात्मक सूत्र बनाना है तो इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को इस कार्बन के पास लिख दो, इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को उसके पास लिख दिया, फिर इनकी संख्या कितनी है, तीन, तो ये हाइड्रोजन के आधार में रख दो, फिर एक बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, फिर कार्बन है, कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं CH, और फिर संख्या में तीन है तो CH3CH3, ये कहलाता है संघनित संरचनात्मक सूत्र। ऐसे ही अपन ने मेथेनॉल का लिखा है, ये तो इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो C और ये H, संख्या में तीन है तो आधार में तीन रख दिया, फिर OH। लोन पेयर कभी कभी नहीं भी लगाते हैं और लगा भी देते हैं। फिर एसिटिक अम्ल लिखा अपन ने, ये अब ये लोन पेयर कैसे आते हैं उनकी एक अलग कहानी है, कभी अलग बात करेंगे। कार्बन से हाइड्रोजन कितने, तीन, फिर सी, कभी कभी यूं लिख देते हैं डबल बॉन्ड OH, या कभी कभी COOH और छोटा करने के लिए यूं भी लिख देते हैं। इसके अलावा एथाइन है, एथीन है, तो एथीन का अपन ने पूर्ण संरचनात्मक सूत्र ये लिखा, इसको छोटे रूप में लिखेंगे तो इस कार्बन से दो हाइड्रोजन तो CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी से दो हाइड्रोजन CH2CH2, ऐसे ही एथाइन हो जाएगा CH CH, यानी जो परमाणु जिस परमाणु से जुड़े हुए उसके पास रख दो और उनकी संख्या उनके आधार में रख दो, ये हो जाएंगे संघनित संरचनात्मक सूत्र छोटे रूप में। इसके अलावा जैसे अपने पास ब्यूटेन थी, उसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र अपन यूं लिख रहे थे, इसका संघनित संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे तो कार्बन से तीन हाइड्रोजन CH3, फिर इस कार्बन से दो हाइड्रोजन तो CH2, फिर इस कार्बन से दो हाइड्रोजन तो CH2, फिर इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन तो CH3, इसको कभी कभी और छोटा
भी लिख देते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से, संगणित, संगणित को और संगणित भी कर सकते हैं यदि पॉसिबल है तो। सी एस टू यदि संख्या में ज्यादा बार आ रहे हैं तो सी एस टू को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जितनी बार है उतनी बार लिख देते हैं। ये दो बार है तो दो और सी एस थ्री, यदि 10 बार हो तो छोटा लिखा जा सकता है सी एस थ्री, सी एच टू का होल 10 और सी एच थ्री। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपन संगणित संरचनात्मक सूत्र लिख सकते हैं। यह संगणित संरचनात्मक सूत्रों की कहानी हुई। उसके बाद है थर्ड, रेखा संरचनात्मक सूत्र। यह है रेखा संरचनात्मक सूत्र की बात करने वाले हैं। तो रेखा संरचनात्मक सूत्र में कार्बन, और यदि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उनको केवल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बनों को केवल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, केवल किसकी बात हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन को ही रेखाओं से दर्शाएंगे, बाकी को नहीं, बाकी को अपने को अलग से दिखाना पड़ेगा। जैसे अपने पास है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, इसका रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाना है अपने को। तो हर एक कार्बन को एक कॉर्नर से बता देंगे तो कितने कार्बन है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। यह है रेखा संरचनात्मक सूत्र। इसमें जो ये कॉर्नर्स हैं ये मेथिल समूह को दर्शाते हैं, मेथिल समूह को दर्शाते हैं। कैसे कि यहां कार्बन है और बीच में भी कार्बन है, तो साइड वाला जो कार्बन है उस कार्बन ने इधर एक बंद बना रखा है। कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है, तो 3 किसके साथ बनाने हैं, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन लगा दो बिना पूछे। तो यहां एक कार्बन है एक बंद बना रखा है, तो 3 बंद किसके साथ बनाने हैं, हाइड्रोजन के साथ। बीच वाला जो कार्बन है इसने 2 बंद बना रखे हैं, तो 2 बंद किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इधर वाले ने एक बंद इधर बना रखा है, तो 3 बंद किसके साथ हो जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। अब यदि कोई अन्य परमाणु मौजूद है, जैसे ये, इसको रेखा संरचनात्मक सूत्र से प्रदर्शित करेंगे तो जितने कार्बन है उतने कॉर्नर लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन हो गए, कॉर्नर गिन लो कितने हैं। अब इसमें देखो ये 2 नंबर है इधर से, इस पर एक BR जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन परमाणु को अपने को पूरा दर्शाना पड़ेगा, केवल रेखाओं द्वारा अपन कार्बन हाइड्रोजन को ही प्रदर्शित कर सकेंगे। BR को अपन ने अलग दिखा दिया है, तो वो BR अपने को अलग दर्शाना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे अपने पास ये है, ये कोई अल्कोहल है, इसका रेखा संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाओगे, तो एक कार्बन बीच वाले से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, और बीच वाले कार्बन से एक OH जुड़ रहा है, तो बीच वाला ये रहा कार्बन, इससे एक CH3, एक CH3, इससे एक OH, तो ये तो हो जाएगा मेथिल कॉर्नर वाला। दो इस पे देखो कितनी वैलेंसी है, उतने हाइड्रोजन लगा दो, तो इस कार्बन ने एक इधर बंद बना रखा, एक इधर 3 बंद बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा ये रहा। इस तरीके से अपन प्रदर्शित कर सकेंगे। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन होती है ये,
इसका रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाना है तो कार्बन को कॉर्नर से दर्शा दो, छह कार्बन है छह कोने बता दो तो छह कोने। अब हाइड्रोजनों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, हर एक कार्बन दो कार्बनों से जुड़ रहा है तो दो दो हाइड्रोजन मौजूद, इस तरीके से अपन दर्शा सकेंगे। बेंजीन को अपन कैसे दर्शाते हैं, बेंजीन में होते हैं छह कार्बन अल्टरनेट, डबल बॉन्ड भी लगे होते हैं और प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है हाइड्रोजन। ये तो हो जाएगा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अब इसका रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाओगे तो कार्बनों को क्या कर दो, केवल कोनों से बता दो रेखा खींच करके, तो ये तो कार्बन को बता रहा है। अब डबल बॉन्ड है तो दर्शाने पड़ेंगे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट है एक छोड़कर एक, हाइड्रोजनों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है जब वो किससे जुड़े हुए हो, कार्बन से जुड़े हुए हो। तो यहाँ वैलेंसी गिन लो कितने हैं पता लग जाएगा, एक दो और ये तीन बंद बना रखे हैं इस कार्बन ने, तो चौथा क्या है यहाँ हाइड्रोजन है ऑटोमेटिक। इस तरीके से अपन रेखा संरचनात्मक सूत्र बना सकेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी गिन लो कितने बंद बना रखे हैं और शेष हाइड्रोजन आप गिन करके लगा सकते हो। तो ये है रेखा संरचनात्मक सूत्र।